Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. How are you all, my dear students? I hope you all are fine and staying at home. I am from the Trust School, Social Studies teacher for the class 4. Let's start our today's lecture. My today's lecture starts with the value of the week. My value of the week is help others. दूसरों की help करनी चाहिए. My message of the day is related to helping others, that how should we should help others. And my message is help people even when you know that they can't help you back. लोगों की तब भी मदद करें जब आपको पता हो कि वो आपकी मदद नहीं कर सकते. So we are discussing about our country chapter and our country is Pakistan, and we have discussed about the area, the name of the meaning of the Pakistan. The meaning of the Pakistan is land of the pure. The capital city of Pakistan is Islamabad. We have discussed about its population, that is about an official language, that is Urdu. And today we will discuss about the provinces of Pakistan. Pakistan has 4 provinces, Punjab, Sindh, Balochistan and KPK. Now we will discuss about the famous places of each province. So first of all, the Balochistan has the famous places of Bulan Pass, Gwadar Seaport and Ziyarat Valley. We know that ज़ियारत में कायद अज़म भी थे और उन्होंने अपना आखिरी वक्त ज़ियारत में ही गुजारा था. उसके बाद हमारे पास आता है पंजाब. पंजाब लाहौर इज़ द मोस्ट हिस्टोरिकल सिटी. लाहौर में बहुत सारी विजिट करने की जगह हैं, जैसा कि बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, मीनार पाकिस्तान. And other than the Lahore, we have the नमक की कान जो है, और उसके अलावा नूर महल है. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. उसके बाद आता है KPK, पेशावर. पेशावर में ज़्यादातर वो नॉर्दर्न एरिया है और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, जैसा कि सवात हो गया, हंजा हो गया. उसके बाद हमारे पास आता है सिंध. सिंध में मोहनजोदाड़ो और रानीकोट जो है वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं. जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उस जगह के बारे में बहुत कुछ सर्च किया है. उसके अलावा जो सिंध में जो फेमस जगह हैं वो कराची में हैं, जैसा कि कायद आज़म का मज़ार है. उसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी है. नेक्स्ट इज़ द लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज हमें पता है उर्दू है. पाकिस्तान में बलूचिस्तान में बलूची लैंग्वेज बोली जाती है. पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है. KPK में पश्तो बोली जाती है. और इस तरह सिंध में सिंधी बोली जाती है. तो ये पाकिस्तान की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इलाकाई ज़ुबानें हैं, जो कि हर मुख्तलिफ इलाके में बोली जाती हैं. उसके बाद हमारे पास आता है ड्रेसेस ऑफ ईच प्रोविंस. हर सूबे के ड्रेसेस, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये है बलोची ड्रेस. बलोची ड्रेस खुला होता है. उसके बाद आता है सिंधी ड्रेस. सिंधी ड्रेस जो होता है वो शीशे के काम वाला होता है. उसके बाद आता है पंजाबी ड्रेस. पंजाबी ड्रेस में घेरदार शलवार आती है, कमीज शलवार. और उसके बाद आता है KPK का, उसमें फ्रॉक होते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनी होती है. उसके बाद आता है फेमस फूड्स ऑफ पाकिस्तान. फेमस फूड ऑफ ईच प्रोविंस. सज्जी. सज्जी जो है वो बलूचिस्तान की फेमस डिश है, जो कि आप अभी देख रहे हैं, ये सज्जी है. उसके बाद आता है पंजाब. पंजाब में साग और मकई की रोटी शौक से खाई जाती है और ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल डिश है. उसके बाद हम जब सिंध में चले जाते हैं तो सिंध की ट्रेडिशनल है बिरयानी, सिंधी बिरयानी. और उसके बाद जो पेशावर में चपली कबाब आते हैं. स्टूडेंट्स, आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने पाकिस्तान के नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और एक पोस्टर बनाना है.